वरुण क्या कर रहे हैं आप? संभालिए अपने आप को। वरुण आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ। दिया ना तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम जानती हो गेंदा, मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं जो मुझे तुम मिली। थैंक यू मिस्टर वरुण अग्रवाल। आप शायद भूल रहे हैं, हम पति पत्नी होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और वो क्या कहते हैं दोस्ती में, नो सॉरी नो थैंक यू। और खुशकिस्मत तो मैं भी कम नहीं जो मुझे आप मिले। चलिए अब थोड़ा आराम कर लीजिए। नींद नहीं आएगी मुझे। मैं जानती हूं वरुण और समझती भी हूं। पापा जी की बातों से जितना दुख आपको हुआ है उतना ही मुझे भी हुआ है। पर से दुकान का पहला दिन है। घबराइए मत वरुण, महाराज जी की कृपा से हमें दुकान तो मिल ही गई है। बहुत मेहनत करेंगे हम और बैंक का सारा पैसा चुका देंगे। महाराज जी करे कि तुम्हारी ये बात सच हो जाए। लेकिन कितना दुकान में कुछ सही हालत में नहीं है, ऑर्डर्स नहीं है हमारे पास, कच्चा माल भी बहुत कम बचा है, जो थोड़ा बहुत गोल्ड बचा है उसी के सारे हमें आगे बढ़ना होगा। माना कि गोल्ड ज्यादा नहीं है हमारे पास, पर हमारे हौसलों में तो कमी नहीं है ना। हमारे पास जो है जितना है उसी में हम A1 ज्वेलरी बनाएंगे और अच्छे दामों पे बेचने की कोशिश करेंगे। मन की ताकत ना हर चीज को दुगना कर देती। आप देखना ये जो हमारी बची कुची जमा पूंजी है ना, वही हमें बहुत आगे तक ले जाएगी। बस हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना। मुझे पूरा यकीन है जब तुम मेरे साथ हो सब कुछ मुमकिन है। दही शक्कर खिलाया जा रहा है एक दूसरे को। खिलाओ खिलाओ, मजे लो ना स्पेशल वाले दही शक्कर के।
चीनी का। ये लीजिए प्रसाद खाइए जल्दी। महाराज जी, हमारी दुकान का पहला दिन है आज, अपना आशीर्वाद दीजिए। नाश्ता लगा देती हूँ मम्मी जी। नाश्ता मैं लगा देती हूँ। बाबा, निशा, मैं आज दुकान में हमारा पहला दिन, हमें आशीर्वाद दीजिए पापा जी। आशीर्वाद दीजिए मम्मी। चलिए आप नाश्ता कर लीजिए। निशा, मैं ऑफिस के लेट हो रहा हूं, वही नाश्ता कर लूंगा, निकलता हूं। गेंदा, दुकान के साथ साथ घर भी संभालना है, याद है ना? हमारे घर में डिनर 7 बजे से बनना शुरू हो जाता है, तो 7 बजे से पहले पहले आ जाना। ऐसे ऐसे क्या देख रही हो? तो मैंने तो कहा था पापा जी को कि मैं इस घर की बहू बनकर रहूंगी, अपने सारे फर्ज पूरे करूंगी, इस घर को हमेशा अपना मानूंगी, नहीं? या फिर मैं ये समझ लूं कि तुम दुकान के साथ साथ घर नहीं संभाल पाओगी? वैसे पापा जी ने तुमसे इस घर की बहू होने का हक तो छीन ही लिया है, लेकिन फिर भी तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? वही भाभी जो पहले था, मैं घर और बाहर दोनों संभाल लूंगी। और वैसे भी आप भी एक औरत है, आपको भी ये बात पता ही होगी कि भगवान ने हमें ढाला ही ऐसे सांचे में कि वक्त आने पर एक औरत अपना घर और बाहर दोनों संभाल सकती है।
पापा जी का आशीर्वाद हमारे साथ है वरुण, अब सब अच्छा होगा। अग्रवाल साहब की बहू बैठेंगी अब दुकान पर। भैया कलयुग है कलयुग। अग्रवाल साहब की इज्जत का ख्याल तो रखा होता, किसी के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा उनको। अग्रवाल साहब की बहू बैठेंगी अब दुकान पर। क्या जमाना आ गया। किसी के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा उनको। तुम कमजोर पड़ रही हो गेंद। क्यों? ये इन सब की बातों में आकर तुम ही हमेशा कहती रहती हो लोगों का तो काम ही है बोलना, फिर उनसे क्यों डरना? क्यों अगर तुम ही नहीं वरुण, मैं कमजोर नहीं पड़ रही, ना ही मुझे किसी का डर है, क्योंकि मेरे साथ आप जो हैं, मुझे तो बस हमारे काम पे ध्यान देना है और कुछ नहीं। ये हुई ना बात, चल। गेंदा, वैसे तो इस दुकान में पहले भी कई बार आया हूं, लेकिन आज तुम्हारे साथ पहली बार आया। मैं चाहता हूं कि इस दुकान का दरवाजा हम दोनों साथ में खोलें, दोनों साथ में इसमें कदम रखें। गेंदा, मैं उठने की कोशिश करता हूँ। नहीं वरुण, डॉक्टर ने मना किया है ना ज्यादा मूवमेंट करने से। मैं कर रही हूँ। गेंदा, एक बार कोशिश तो करने दो। अच्छा, संभल के। वरुण, मना किया ना मैंने आपको, अब मैं किसी से मदद मांगती हूँ। भाई साहब सुनिए ना, मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, वो मेरे पति। अंकल जी मेरी मदद कर दीजिए प्लीज, मेरे पति व्हीलचेयर पे हैं। माँ भी करिए आप। सुनिए ना भाई साहब, मेरे पति व्हीलचेयर पे, उन्हें चोट लगी है पैर में, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैं क्या, यहाँ कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि तुमने हमारे समाज के नियमों को तोड़ा है। आज हम तुम्हारी मदद करेंगे तो देखा देखी और भी औरतों को बढ़ावा मिलेगा, और कल वो भी घर की दहलीज लांघकर गले पर बैठेंगी, और ये हम होने नहीं देंगे। तुम्हारा पैर फिसल गया ना, गिर गई तुम, इसीलिए कहते कि औरतों को घर पे रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर निकलती है ना तो अक्सर उनके पैर फिसल जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती हैं मुंह के बल। लेकिन यू नो चुड़ैल फेल्ट सो गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारी हालत और हालात दोनों देखकर। आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट।